गाइस गुड मॉर्निंग फ्रॉम नियोमा। कोई भी जगह घूम के निकलोगे और दूसरी जगह पहुंचने लगोगे तो रात हो जाएगी। बिल्कुल नई रोड बनी है, फ्रेश एकदम फील हो रहा है। गाड़ी में चटर चटर की आवाज आ रही है। रियली वेरी कॉशियस ऑफ दैट। भगवान याद आ गए एकदम। हेलो, दिस इज द वर्स्ट क्रॉसिंग। आनंद महिंद्रा का भरोसा। Guys, good morning from Neoma. We stayed at these camps. रास्ते में कोई रेस्टोरेंट वगैरह आएगा तो वहीं फ्रेशन अप हो जाएंगे। We'll keep you posted. See you there. Or there, there. Second checkpost पड़ा था ना, उससे 20 किलोमीटर आगे है जहाँ से हम लोगों ने सोमरूरी के लिए राइट लिया था। हमें राइट ना लेके सीधा जाएंगे तो हम लोग 20 किलोमीटर ऑन द वे टू पैंगोंग। हम लोग इस नियोमा विलेज में रुके क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी। उसके बाद हमने कहा आज यहीं पर रुका जाए तो लोकल में पता किया तो एक स्टे इधर मिला था, होम स्टे। पर ये होम स्टे वाले ने ना बहुत ज़्यादती करी हमारे साथ तो हमें कुछ भी नहीं दिया इसने, कुछ भी अलाउड नहीं करा। कमरा कह रहा 2 करोड़ रुपए का, सोना है सो जाओ नहीं तो अब भाड़ में जाओ सालों मरो। फिर हमने कहा कोई बात नहीं। फिर हमारे सत्तू भाई को जूम करो। सत्तू भाई ने कहा साले ऐसी की तैसी, ये जो मैं 20 किलो का ढोकर लाया हूँ ना सामान, इसमें ऐसी सामान नहीं लाया, आज कैंप गाड़ूंगा। भाई ने 2 कैंप गाड़े हैं अच्छे अच्छे एक ये एक समेट दिया है। रात को हमने क्या किया भाई, मस्त स्टार गेजिंग की है और नो लाइट डिनर किया है। तो भाई पैंगोंग जाएंगे अब आज हम लोग, जो कि 120 किलोमीटर दूर है यहाँ से। ज़्यादा ही है। और भाई एक चीज़ समझ लो, अगर लद्दाख आ रहे हो तो भाई टाइम लेके आओ पूरा, कोई जल्दबाजी नहीं है। आपको सारी जगह कवर करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ दूर दूर है, कुछ आसपास नहीं है। आपको तो ट्रैवल ऐसे ही करना पड़ेगा। 5-5, 6-6 घंटे का ट्रैवल है हर डायरेक्शन में। कोई भी जगह घूम के निकलोगे और दूसरी जगह पहुँचने लगोगे तो रात हो जाएगी, और रात को यहाँ पर ट्रैवलिंग अवॉइड ही करो तो बेटर है। जो हम भी नहीं कर पा रहे हैं एक्चुअली हम वही कर रहे हैं, सिर्फ हम कर नहीं पा रहे, हम कर ही वही रहे हैं। हम लोग कुछ कर ही नहीं रहे, हम लोग सिर्फ रात को ट्रैवल ही कर रहे हैं, उसके बाद ऐसे खर्राटे मार के सो रहे हैं। तो भाई ध्यान से, और सुबह उठ के बोल रहे हैं कि नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही है। दाग एक सेगमेंट में पूरा करने की ज़रूरत ही नहीं है, नहीं हो सकता। लेकिन खूबसूरती बहुत अच्छी है और आज हम लोग फिर पैंगोंग जाएंगे, वहीं पर स्टे लेंगे, हमें भागना ही नहीं है कहीं पे, ठीक है ना। पैंगोंग में वो वाला क्या था, वो वाला भी इधर ही हुआ था ना। हाँ, तो वो पैंगोंग वाला वो देखना है अपने को। बहुत सारी फोटोज बनेगी वहाँ पे बोला हुआ है। हाँ, तो देखते हैं फिर क्या होता है उधर। चार्जेबल है, हेलीकॉप्टर है क्या वो, कौन सा पक्षी उड़ रहा है। ठीक है भाई, फिर मिलते हैं। बिल्कुल नई रोड बनी है फ्रेश एकदम फील हो रहा है। गाड़ी में चटर चटर की आवाज आ रही है, सारा क्या तार कोल उड़ रहा है अभी। बहुत बढ़िया रोड्स। अगर आपको जल्दी पहुंचना है कहीं पे और अच्छे रोड से पहुंचना है ना, तो आप सिर्फ डिफेंस और आर्मी बेस वाले एरिया से जाइए। यू विल फाइंड इट ब्यूटिफुल।
और अगर आपको बहुत ज्यादा रास्तों का एडवेंचरस ट्रिप चाहिए तो भाई फिर आपकी मर्जी है, आप पहाड़ में घुसा दो, आप नदी में घुसा दो, कहीं भी घुसा दो, बहुत बढ़िया। ये देखिए एक और बेस कैंप आ गया आर्मी का। तो ऐसे ऐसे नज़ारे आपको सिर्फ इन्हीं रोड्स पे देखने को मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि आप इनसे ज़्यादा एडवेंचरस हैं, आई एम सॉरी गाइज, यू आर नॉट। और ये आप जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर ले उतना बढ़िया है आप लोगों के लिए, क्यों भाई? बिल्कुल सही बात है ना। तो गाइस नोमा चेक पोस्ट से आप लोगों को लेफ्ट होना है, और अगर आप बहुत लंबा रास्ता चाहिए तो वहाँ से सीधा चले जाइए, 100 किलोमीटर घूम के आइएगा। तो अभी हमने यहाँ से लेफ्ट लिया है और ये भी डिफेंस कंट्रोल एरिया है। और यहाँ से कितना दूर पड़ेगा हम लोगों को? ये यहाँ से पड़ेगा 90 किलोमीटर पर। ये थोड़ा ऑफ रोड वाला एरिया है सारा। हाँ, रोड्स थोड़े वेल मेंटेन नहीं है। अगर वेल मेंटेन रोड चाहिए तो आप लोमा से सीधा निकल जाइए, नहीं तो यहाँ से लोमा से लेफ्ट लेके तारा चेक पोस्ट की तरफ होते हुए यू कैन सेव 100 किलोमीटर्स, बट ऑफ रोड है तो जो आपको कन्वीनियंट लगे यू कैन चूज दैट। हमने ऑफ रोड वाला चूज़ कर लिया क्योंकि हम जल्दी निकले हुए हैं, हमारे पास टाइम है। तो लेट्स सी। और जिस रास्ते से हम लोग आ रहे हैं ना, वहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं है, मतलब सिर्फ 2 घोड़े नज़र आए हैं, खच्चर, वो भी खच्चर, 3 खच्चर नज़र आए हैं। और हमारे राइट में जो है वो रिवर बेड्स हैं, तो जब कभी यहाँ पर स्नोफॉल होता होगा तो ये एकदम पूरा ढक जाता होगा इधर, और जब गर्मी आने लगती होगी तो ये पानी बन के सब बह रहा होता होगा, तो यहाँ पर ट्रैवल करना एट दैट मोमेंट बहुत हार्ड होता होगा। और हमारे लेफ्ट साइड में ये देखिए ये माउंटेंस चल रहे हैं, और ये हमारे राइट साइड राइट वाला सेक्शन। दूर दूर तक कोई भी नहीं है, अब जाके एक बेस कैंप लग रहा है मुझे आया है। इसमें भी कोई नहीं है, इसमें भी कोई नहीं है। सही बात है। क्या है भाई? अरे शीप्स का हॉस्पिटल है। हाँ ओके, शीप्स का हॉस्पिटल है। पहली गाड़ी दिखी है हमें, अब पहली गाड़ी दिखी है, वो दूर एक पहली गाड़ी दिखी है। सामने हो गया उसे, उसे भी ऐसा ही सुकून मिला होगा हमें देख के। हाँ चलो कोई तो दिख रहा है। क्या कहते हो दोस्तों, तो रुक के 2 मिनट गुफ्तगु हो जाए। इतना अकेलापन जीवन में ठीक नहीं। हेलो, कैसा चल रहा है ट्रिप? अच्छा चल रहा है। कहाँ से आ रहे हो आप लोग? न्योमा से। न्योमा से आज का रोड कैसा है? ठीक है, अच्छा है, आगे अच्छा है। हाँ, आई नीड टू गिव यू अ लिटिल रियलिटी चेक। यस, इट्स पैथेटिक। ओके, सो इट्स गो, यू आर गोना डिसेंटली एंजॉय द रोड फॉर नेक्स्ट 11-12 किलोमीटर्स। ओके, आफ्टर दैट इट्स वेरी बैड, प्लस यू आर गोना क्रॉस फॉरवर्ड क्रॉसिंग, यू गाइस नीड टू बी रियली वेरी कॉशियस ओवर देयर। ओके, बिकॉज पानी आ रहा है ना अभी, एंड इट्स गोना बिकॉज आइस इज गोना मेल्ट even further, so just be careful over there, otherwise you're gonna have fun. Okay, sure. Enjoy. Bye bye. You too. Thank you. तो ये reality check था यहाँ का, देखते हैं, let's experience this reality check. Okay, the full border crossing. Last में उठ रही है. पटनी तो जरूरी थी. सत्तू भाई सो रहे थे, जैसे रियलिटी चेक मिला इनको भगवान याद आ गए एकदम। लेट्स एंजॉय द लास्ट फ्यू मोमेंट्स। अंकित भाई जी सर, देखो एज यू नो कि ये रास्ता एक ऐसा रास्ता है जो हर बंदा ऑप्ट नहीं करता, हर बंदा, हमें बंदे 4 मिले टोटल हो गए एक गाड़ी में। यहाँ कोई है ही नहीं, दूर दूर तक कोई नहीं, यहाँ पे सिर्फ सुपर हीरोज चलते हैं आर्मी IT-BP जो कि चल रहे हैं ट्रक्स एंड टैंक्स के साथ। भाई यहाँ कार है बहुत सारे, मैं केला खिलाऊंगा इनको। Yeah, let's try at least.
ट्राई कर तो रहे गाड़ी चलाने की, अब यहाँ तक कहाँ जाएंगे। रोड्स काफ़ी चैलेंजिंग है यहाँ की। चैलेंजिंग तो तब होंगी ना जब रोड्स होंगी। पॉइंट है जनाब। What's the name of this place? Chorkok. Yes. Saga Chorkok. Yes. This is your school. Yes. In which class are you studying? You are in which class? Two class. Second class. यहीं पर रहते हो आप? वहाँ पर. कितने दोस्त हैं आपके? A few moments later. चार पाँच है. Total कितने students हैं school में? 16? 16? Total 16? इतने बड़े स्कूल में 16? ओके, नाइस मीटिंग यू, बाय बाय, बाय बाय, थैंक यू। हाय, हेलो, चॉकलेट खाने दे दो। सबके लिए? हाँ ठीक है। सबके लिए? ठीक है। नाम क्या है आपका? नाम क्या है? चलान दस गाल। ओके, कहाँ जा रहे हो? स्कूल जा रहे हो? नहीं। फिर? स्कूल नहीं जा रहे? स्कूल नहीं जा रहे। स्कूल से आ गए? हाँ। कौन सी क्लास में हो? दो क्लास। फोर्थ में हो आप? हाँ दो। आप? नर्सरी। ओ कितना छोटा सा है ये नर्सरी। ये स्कूल क्यों जा रहा है? आप कौन सी क्लास में हो? दो। और मैं दोनों क्लासमेट हूँ। ओ क्लासमेट हो। हाँ। टीचर्स आते हैं? हाँ। अच्छे से पढ़ाते हैं? हाँ। ओके वेरी गुड। नहीं भाई। चलो सी यू। पीछे हो जाओ। हाँ चाचा बाय। This is the worst crossing from Neomo to Pangyong. तो गाइस लामू में ना एक चेक पोस्ट पड़ता है, वहाँ से 30 किलोमीटर के बाद ये पहला रिवर क्रॉसिंग है। तो पॉसिबल हो तो मॉर्निंग में क्रॉस करना, पानी का लेवल कम रहेगा। यही सबसे टफ है ऐसा जो वहाँ से अभी तक सुनने में आया है। हाँ अब हम जाके बाकी मॉर्निंग में वो क्रॉस करे थे, हम आफ्टर मून में करेंगे। हाँ तो देखते हैं। रोड कैसी लग रही है भाई? रोड एक नंबर है यार। 114 लेन का एक्सप्रेस वे है ये, कहीं से भी जा सकते हो। कोई साइन बोर्ड नहीं, कोई कुछ नहीं, जहाँ मन करे जहाँ ले जा सकते हो वहाँ ले जाओ। पर अपने रिस्क पे ले जाओ ना भाई, यहाँ मदद भी नहीं मिलेगी ना। ना बंदा है ना बंदे की जात, सिर्फ याक है, वो भी देख के भाग जा रहे हैं। सिर्फ वाटर क्रॉसिंग्स पे मिल रहे हैं बंदे, क्योंकि वो चाहते हैं उनसे पहले कोई और चला जाए। और टाइगर को देख के उनको भरोसा हो जाता है कि अरे ये तो चला ही जाएगा। सब चीज़ों में आगे कर देते हैं हमें। हाँ। पता कैसे, कोई नहीं, अच्छा एक्सपीरियंस है। बट ये करना सिर्फ फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में गलती से ही बताना इस रोड पे। नेवर इन योर लाइफ, एंड इफ यू आर नॉट हैविंग अ 4x4 ट्राई टू अवॉइड अगेन, ताकि आपको भरोसा रहे कि चलो 12-1 बजे तक मैं कहीं ना कहीं तो पहुँच ही जाऊँ। हाँ सुबह 7 बजे निकले, 12-1 बजे तक पहुँच जाओगे, ट्रैफिक मिलेगा। 12-1 बजे के बाद यहाँ ट्रैफिक और कम हो जाएगा, वाटर फ्लो बढ़ जाएगा और आप कहीं पहुँच भी नहीं पाओगे। Be in the moment, but cautiously. Yes. चेक पोस्ट पे पूछ ही लो। शायद हमें भी अगर पता होता कि ये इतना ऑफ रोड होता तो शायद हम भी ऑफ नहीं करते, हम भी मेन हाईवे से आ जाते। बट गूगल शोड अस दिस रोड। अब आजकल के लोग गूगल को ज़्यादा फॉलो करते हैं ना, तो हम इधर से आ गए। देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। मैं गाड़ी को
भाई इधर तक है। देख रहा है घुटने का ऊपर ऊपर तक। हाँ भाई दो क्रॉसिंग आपने बहुत हैवी हैवी मार दिया, कल की मिला के तीन। हाँ आना जाना हो एक, सही बात है। कैसा एक्सपीरियंस है भाई? ये तक अमेजिंग है। अच्छा डर लगता है पर मजा तो आता है सर। तो और निकल जाए तमीज से तो अरे सर सब टाइगर टाइगर बोल रहे थे, पता है ना लोग आपको देख के रुक जाते हैं कि पहले इसको जाने दो। आनंद महिंद्रा का भरोसा, आनंद महिंद्रा का भरोसा। गाड़ी तो A1 गाड़ी है, नो डाउट फर्स्ट क्लास जो गाड़ी ये परफॉर्म कर रही है, गाड़ी से फुली सेटिस्फाइड हूं। ड्राइवर का पता नहीं, अरे गाड़ी तो अच्छी है ही, ड्राइवर भी हमारा बहुत फैंटास्टिक है। ठीक है ऐसी चार क्रॉसिंग ऐसी थोड़ी करवाई है इसने। हां भाई अरे कैमरा मेरी तरफ है, पकड़ना एक बार सर मेरी तरफ ही रख देना। ये एक ही जोड़ी है तेरे पास। धोले धोले मैं वीडियो बंद कर देता हूँ, झाड़ ले फटाफट। एक वाटर क्रॉसिंग है उस पर थोड़ा ज्यादा है, बाकी ठीक है, दो ही है ना, दो ही बची हैं। ये वाला है कि कुछ पीछे वाला? पीछे वाला। ये वाला नहीं, ये वाला आसान है, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। कितने तक हो जाएगा। मोमेंटम बनाए रखना, लेफ्ट से लेना हो जाएगा। आगे तो कुछ नहीं है ना, छोटी है ना दोनों, इस तरफ इस रूट पे एक है बस यहाँ पर। ये भी जो है इसका जाने का, जैसे पानी भी इधर से आ रहा, आपके रूट भी ऐसे वहाँ से आने में समस्या है, जाने में जाने यहाँ से नहीं है। ठीक इसीलिए आपको वो जरूर दिक्कत होगी। थैंक यू सर। ओके फाइनली गाड़ी से बाहर। आप सोच रहे हो पैंगोंग पहुंच गए, नहीं पैंगोंग नहीं पहुंचे अभी, अभी वी आर इन मिडल ऑफ नोवेयर। बस लोगों ने कहा कि ये लास्ट वाटर क्रॉसिंग थी तो इसको क्रॉस करके खुद के लिए थोड़े पीसफुल मोमेंट्स स्पेंड कर रहे हैं। तो बनता है थोड़ी देर बैठेंगे, पीस इंजॉय करेंगे। ये भैया की गाड़ी फंस गई थी, इनको आगे जाने के लिए मना किया कि इसको और आगे मत लेके जाओ क्योंकि और आगे वाटर क्रॉसिंग बहुत ज़्यादा फ्लो में है ना, तो ये फर्स्ट पे ही फंस गई थी तो आगे तो इट वुड बी रिस्की। और ये ट्रैवल भी अलोन कर रहे हैं, ये अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो सेफ नहीं है इनका वहाँ जाना। हमारी गाड़ी निकल गई है, कुछ भी मेजर नहीं हुआ है, बहुत स्मूथली निकली है। बस वाटर का फ्लो ज़्यादा था तो गाड़ी की नंबर प्लेट ज़्यादा उतर गई है, वो जाके ले में लगवा लेंगे, कोई ऐसा मेजर इशू नहीं है। तो बैठे हैं और देखो वेदर इन्जॉय करते हैं, वाटर का फ्लो इन्जॉय करते हैं, फिर चलते हैं आगे। रश तो कोई है नहीं, बड़ा स्मूथ राइड चाहिए, स्मूथ ड्राइव चाहिए, डोंट ऑप्ट फॉर दिस रोड। हम आ गए, अनएक्सप्लोर्ड था, मैप में भी यही दिखाया पर ये मत लेना। मेन जो हाईवे है वो 120 किलोमीटर एक्स्ट्रा है, बट गो फॉर दैट। यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, बंदे भी नहीं मिलते हैं, लोग कुछ भी नहीं मिलता है, गाड़ियाँ भी बहुत कम, मिलिट्री गाड़ी, मिलिट्रीज की गाड़ी ज़्यादा मिलेंगी आपको, ये पूरा मिलिट्री एरिया है।
बंकर्स ही बंकर्स हैं यहाँ पे, इसलिए हमने ज़्यादा शूट भी नहीं करा है। अभी भी जो शूट कर रहे हैं हम यहाँ पे आसपास, हम अवॉइड ही कर रहे हैं कुछ भी दिखाने का, क्योंकि यहाँ पे है नहीं बंकर्स। अदरवाइज पिछले अप्रॉक्स 50 से 60 किलोमीटर्स एवरी 500 मीटर वी वर फाइंडिंग अ बंकर और टू, तो इसलिए हमने शूट ही नहीं करा, क्योंकि हमारी कंट्री की सिक्योरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे व्लॉग से। व्लॉग तो बनते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो करते हैं थोड़ी देर इन्जॉय, सोच रहे हैं ऊनो खेल लें फिर निकलते हैं।